पति उत्तेजना की दवाई खाकर काफी समय से अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बना रहा था। वैसे तो ये इन दोनों की सुहागरात थी, पर महिला को लग रहा था कि उसके साथ रेप हो रहा। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब वह शारीरिक संबंध बना चुका था, उसके पश्चात वह पत्नी को कहता है कि अब मेरे भाई के साथ और भाई के लड़के के साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, ये हमारी रिवाज है। उसके पश्चात जो होता है, जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कानपुर से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, जहां पर माही नाम की लड़की की सगाई तय हो जाती है ऋषभ नाम के लड़के के साथ। माही देखने में काफी सुंदर थी, ऋषभ भी बैंक में जॉब करता था, इस वजह से दोनों की शादी हो जाती है। माही ने बीएससी और एमएससी कर रखी थी, जिसके कारण उसकी सगाई काफी अच्छे घर में हो रही थी। हम आपको बता दें कि ऋषभ के घर में अनेकों सदस्य थे जो कि जॉब पर थे, यानी कि जिंदगी में अच्छा खासा कमा रहे। फिर आ जाता है शादी का दिन, बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी करवाई जाती है। हम आपको बता दें कि शादी के होते ही अजीबोगरीब प्रकार से पति पत्नी के कमरे में पहुंचता है। ऐसा लग रहा था कि वे दारू में टल्ली है। हम आपको बता दें, वहां पर इस प्रकार से आने के पश्चात महिला अपने पति से दूर भागना शुरू कर देती है, पर पति उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। महिला चीखने और चिल्लाना शुरू कर देती है, वह इन सब के लिए मना कर रही थी, फिर भी यह पति ये सारे के सारे काम किए जा रहा था। हम आपको बता दें, काफी समय बीत चला जाता है, पर पति इस हैवानियत को करना बंद ही नहीं करता, इस हैवानियत को करता ही रहता है। महिला काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, पर जब इस हैवानियत को वह बंद करता है तो और भी ज्यादा बड़े खुलासे होते हैं। पति अपनी पत्नी से बात करना शुरू कर देता है और गेट को खोल देता है। बात करते करते वह अपनी पत्नी को बताता है कि हमारे घर की एक रिवाज है, जिसके चलते दुल्हन को, यानी कि जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसको घर के हर सदस्य के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। ये बात के लिए दुल्हन मना कर देती है कि मैंने आज तक ऐसी रिवाज के बारे में कभी भी नहीं सुना, पर दूल्हा उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। अपने भाई को फोन कर देता है, जिसके चलते दुल्हन का जेठ उस कमरे में आ जाता है और जेठ का लड़का उस कमरे में आ जाता है। दूल्हा कमरे से बाहर निकल जाता है और दोनों के दोनों दुल्हन के साथ कमरे में मौजूद होते हैं। गेट को अंदर से बंद कर लिया जाता है। इस कमरे में तीन सदस्य थे। धीरे धीरे जेठ और जेठ का लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, पर महिला ये सब कुछ नहीं करवाती है, इस वजह से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। दोनों मिलकर उस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं, जिसकी आज शादी हुई थी। ये सब कुछ हो जाता है। महिला को 5 से 6 दिन तक समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तत्पश्चात वह अपनी माँ को इस पूरी वारदात के बारे में बताती है, तो उसकी माँ बताती है कि ऐसी कोई भी रीति रिवाज नहीं होती, तुम्हारे साथ हैवानियत हुई है, तुम्हारे साथ गंदा काम हुआ है, जिसके चलते नई नवेली दुल्हन पुलिस थाने में पहुंचती है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। पर ससुराल वाले उसे मामला दर्ज ही नहीं करवाने देते, उसे डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। पुलिस भी उसके मामले के दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी। हम आपको बता दें, उसके पश्चात महिला जैसे न तैसे करके आईजी के ऑफिस में पहुंचती है। वह पूरी वारदात आईजी को बताती है, तो उसका मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि अब सभी को उठवा लिया गया, सबसे पूछताछ की जा रही है।